261 रन के बाद भी अगर कोई टीम मैच हारती है तो आपको भी लगता होगा कि क्या यह मैच फिक्स है। अगर 20 ओवर के मैच में 261 रन के बाद भी कोई टीम हारती है तो यह बीसीसीआई के लिए बहुत ही बुरी खबर है। बीसीसीआई ने आईपीएल 2024 में बहुत ही खराब पिचें बना रखी हैं, क्योंकि आईपीएल 2024 में लगभग 8 से 9 बार 250 प्लस का स्कोर बन चुका है। इस तरह बीसीसीआई जो बॉलर है उनके साथ बहुत ही नाइंसाफी कर रही है। इंडिया के जो नए बॉलर है उनका करियर बर्बाद हो रहा है। अब अगर बात करते हैं कल के मैच के बारे में, आईपीएल का 42वां मैच पंजाब और कोलकाता के बीच खेला गया है। इस मैच में पंजाब ने टॉस जीतकर कोलकाता को पहले बैटिंग के लिए बुलाया। कोलकाता के लिए फिन चार्ज और सुनील नारायण ने पारी की शुरुआत करी। इस मैच में इन दोनों ने पारी की बहुत ही जबरदस्त शुरुआत करी। दोनों ने मिलकर 10 ओवर में 138 रन की पार्टनरशिप करी, जिसमें सुनील नारायण ने 32 बॉलों में 71 रन बनाए। इसके साथ ही फिन चार्ज ने 37 बॉलों में 75 रन की पारी खेली, जिसमें 6 सिकंदर शामिल थे। इन दोनों के अलावा कोलकाता के लिए वेंकटेश अय्यर ने 23 बॉलों में 49 रन की पारी खेली और आंद्रे रसेल ने भी 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 12 बॉलों में 24 रन बनाए। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर की 10 बॉलों में 28 रन की पारी चलते कोलकाता की टीम ने 20 ओवर में 261 रन का टारगेट खड़ा किया। पंजाब के सभी बॉलरों की इस मैच में बहुत ही जबरदस्त धुलाई हुई, लेकिन इसके बाद भी हरदीप सिंह ने 4 ओवर में 45 रन देकर 2 विकेट पर नाम किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। पंजाब के लिए 262 रन के लक्ष्य पीछा करने के लिए पारी की शुरुआत करने आई प्रभ सिंह और जॉनी बेस्टॉक, और इन दोनों ने न सिर्फ पारी की शुरुआत करी बल्कि इस मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। दोनों ने बहुत ही बेहतरीन शुरुआत करी। प्रभ सिमरन ने मात्र 20 गेंदों में 4 रन की पारी खेल दी, जिसमें 5 छक्के शामिल थे। प्रभ सिमरन के बाद मैच उस जिताने का काम किया जॉनी बेस्टॉक और शशांक सिंह ने। दोनों ने मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जिसके चलते पंजाबी टीम यह मैच 8 विकेट से जीत गई। जॉनी बेस्टॉक ने इस मैच में 28 बॉलों में 9 छक्कों में से 108 रन की पारी खेली। साथ ही शशांक सिंह ने भी धमाकेदार शुरुआत करी और 28 बॉलों में 8 छक्कों में से 18 रन की पारी खेली, और इनकी पारी के चलते पंजाब ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। पंजाब ने क्रिकेट के इतिहास में पहली बार 212 रन का स्कोर चेंज कर लिया और पंजाब वर्ल्ड क्रिकेट में पहली टीम बन गई जिसने इतना बड़ा स्कोर चेंज किया है। इस स्कोर को चेंज करने में जॉनी बेस्टॉक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके लिए बेस्टॉक को मैन ऑफ द मैच चुना गया। अब अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।